नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है वाराणसी से। वाराणसी में एक और बड़ी खबर, महिला दरोगा 10,000 रुपए की रिश्वत लेते अरेस्ट कर लिया। बड़ी खबर मिल रही है, यहाँ पर बाप बेटी को धमकाया, 20,000 दो वरना ससुराल वालों को क्लीन चिट कर देंगे। ये मामला मगर एंटी करप्शन टीम ने यहाँ पर पैसे लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। दरोगा बोली, पैसा नहीं तो केस खत्म कर देंगे। वाराणसी के लक्सा इलाके की रहने वाली राजीव शर्मा की बेटी श्रेया ने अपने ससुराल जनों के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज कराया। इसके जांच लंका थाने तैनात महिला रिपोर्टिंग चौकी इंचार्ज अनुभा तिवारी कर रही है। केस में अब तक अनुभा ने वादी और गवाहों के बयान दर्ज किए और विपक्ष के लोगों को भी बयान दर्ज किए। दरोगा ने बताया कि आपको 20,000 रुपये देने होंगे वरना ससुराल वालों को क्लीन चिट कर देंगे, यानी फाइनल रिपोर्ट लगा देंगे। इसके बाद उन्होंने वह धमकी दी जिसी के चलते यहाँ पर पीड़ित ने 20,000 नहीं देने की बात कहकर 10,000 रुपये में डील फाइनल कर दी और यहाँ पर अब ₹7 लेते गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब जांच में जुटी हुई है, पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया। अनुभा तिवारी 2019 बैच की दरोगा है। पति की जगह मृतका आश्रित कोटे में नौकरी मिली थी। अब ये मामला सामने आ रहा है। तमाम खबरों के लिए बन रही जय हिंदू।